अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल खीमा, जो बहुत डिलीशियस भी है और एक यूनिक रेसिपी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बर्तन में हम लेंगे 750 ग्राम्स खीमा फैट के साथ लेंगे, और दो मीडियम साइज टमाटो चॉप्ड, दो ग्रीन चिल्ली, दो मीडियम साइज के प्याज, दो टेबलस्पून अदरक लहसुन, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया और जीरा पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। इन सब मसालों को मिला लेंगे। इसमें एक कप पानी ऐड करके हम इसे 10 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिएगा, यकीन करें आप ये बहुत मजे का बनके रेडी होता है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसी बनी ये रेसिपी। यहाँ पे प्याज टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, गलना स्टार्ट हो चुका है, इसे और 15 मिनट्स के लिए स्लो आंच पे छोड़ देंगे। बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे। और यहाँ पे देखिए ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बटर, बटर की जगह पे आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और 2 टेबलस्पून दही के, और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे और 10 मिनट के लिए स्लो में छोड़ देंगे, स्लो आंच पे छोड़ देंगे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और धनिया पत्ते की, और ये बिल्कुल रेडी है। एकदम मजेदार से ढाबा स्टाइल खीमा बनके रेडी है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।